Hello. Cricket World Cup started today. There were 16 teams in this tournament, and 8 of them are in group stage, another 8 are in Super 12s. Aur baaki ki 4 jo Super 12 mein aayenge, wo hai winners and the runner-ups of the group stages. So, wo agle hafte se start hoga. Lekin is hafte group stages ke game shuru hue the, aur 2 game hue aaj 16th of October ko. तो पहला गेम था नामीबिया और श्रीलंका के बीच और दूसरा था यूएई और द नेदरलैंड्स के बीच. यूएई और नेदरलैंड्स का गेम जो सेकंड गेम था आज का वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ. यूएई ने 1-1-1 बनाया इन 20 ओवर्स. उनके बैट्समैन से शॉर्टेज लग नहीं रही थी और जो छक्के की बॉल थी वो 30 यार्ड के बाहर नहीं जा रही थी. सो दैट काइंड ऑफ अ गेम इट वाज. और उसके बाद नेदरलैंड्स जब बैटिंग करने आई उनके ओपनर्स विक्रमजीत सिंह और मैक्स दाऊद ने अच्छी स्टार्ट दी उनको. जब तक मैक्स दाऊद क्रीज पे थे ऐसा लगा कि मैच ईजी है. उसके बाद वो जैसे आउट हो गए मिडिल फेज में मैच फंस गया और नेदरलैंड्स हारने लगी थी जब तक उनका कप्तान एडवर्ड्स जो बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया है उसने गेम निकाला और सेकंड लास्ट बॉल पे जीत गए. सो दैट वाज अ गुड गेम. अब आते हैं पहले गेम पे जो हुआ नामीबिया और श्रीलंका के बीच. नामीबिया ने पहले बैटिंग की और बनाया 163 इन 20 ओवर्स. उन्होंने लास्ट के 4 ओवर में श्रीलंका को 60 रन मारे. एक फुल टेस्ट नेशन को एक एसोसिएट ने 60 रन मारे. कोई नहीं हो सकता है चलो मान लेते कि हो गया. उसके बाद आई श्रीलंका बैटिंग करने इजी टारगेट होना चाहिए क्योंकि उनकी हिस्ट्री 1832 से चलती आ रही है और नामीबिया 1992 में मतलब आईसीसी ने उसे मतलब पहचान दी. शब्द ही मिल रहे मेरे को. दिस इज द थर्ड बिगेस्ट विन बाय रन्स फॉर एन एसोसिएट टीम वर्सेस अ फुल मेंबर टीम. बाकी के तो जिम्बाब्वे के खिलाफ थे अफगानिस्तान ने मारे हुए थे. उनका लेवल समझ में आता है एक ही तरह की थी 2016 में. नामीबिया किधर और श्रीलंका किधर भाई. और ये वही श्रीलंकन टीम है जिसने बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया को एशिया कप में हरा के एशियन चैंपियंस बने थे. लेकिन श्रीलंका क्वालिफाई तो पक्का होगी क्योंकि टॉप टू टीम्स जाएंगी और नेदरलैंड्स इतनी स्ट्रांग लग नहीं रही और यूएई अपने देसी भाई हैं तो पता नहीं क्या करेंगे श्रीलंका के खिलाफ. उनके खिलाफ तो जीत जाओ वरना शेमफुल बात होगी. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं अगले हफ्ते.